हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू उदित फार्मेसी। आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वन सब्जेक्ट के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पर आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने उदित फार्मेसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉट इज बफर सोल्यूशन एंड इट्स टाइप्स। यहाँ पर हमें बफर सोल्यूशन की डेफिनेशन लिखनी है और उसके टाइप्स एक्सप्लेन करने हैं। बफर सोल्यूशन क्या होते हैं? दे आर द सोल्यूशंस और सिस्टम्स दैट रेजिस्ट अ सडन चेंज इन पीएच अपॉन एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। और इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर और दूसरा होता है बेसिक बफर। तो आपको ये दोनों टाइप्स यहाँ पे एक्सप्लेन करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट ब्रीफ नोट ऑन मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। जो मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो होते हैं क्लोराइड्स, सोडियम, कैल्शियम एंड बाइकार्बोनेट्स। और जो मेजर इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो होते हैं पोटेशियम, फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम। तो यहाँ पर आपको ब्रीफ नोट लिखना है इन मेजर एक्स्ट्रा एंड मेजर इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट नोट्स ऑन फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस जो होता है वो हमारी बॉडी के इंटरनल मैकेनिज्म को रेगुलेट करता है। और ये जो रेगुलेशन होता है ये तीन कंट्रोल से किया जाता है। फर्स्ट इज बफरिंग सिस्टम, सेकेंड इज रीनल मैकेनिज्म एंड थर्ड इज रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। तो ये तीनों मैकेनिज्म आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने होंगे। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉट इज रेडियो एक्टिव कंपाउंड एंड इट्स टाइप्स ऑफ रेज। रेडियो एक्टिव कंपाउंड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रेडिएशंस एमिट करते हैं। रेडिएशंस एमिट करने वाले सब्सटेंसेस को रेडियो एक्टिव कंपाउंड कहा जाता है। जो उसके टाइप्स होते हैं रेज के वो होते हैं अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। तो आपको ये तीनों यहाँ पर एक्सप्लेन करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। यहाँ पे जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के एप्लीकेशन है वो आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। जैसे रिसर्च एप्लीकेशन है, एनालिटिकल एप्लीकेशन है, डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन है, रेडियोथेरेपी में यूज होता है और स्टरलाइजेशन टेक्निक्स में यूज होता है। तो आपको यहाँ पर ये डिटेल में एक्सप्लेन करने होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज इन द फार्मास्यूटिकल। यहाँ पर हमें जो डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ के सोर्सेस है फार्मास्यूटिकल्स में वो एक्सप्लेन करने हैं। फॉर एग्जांपल, रॉ मटेरियल्स जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं वो एक सोर्स है इम्प्योरिटी का। उसके बाद में जो मैन्युफैक्चरिंग मेथड होती है उसमें जो रिएजेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जो सॉल्वेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जो एटमॉस्फेयर होता है या फिर जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, ये सारे सोर्सेस होते हैं इम्प्योरिटीज़ के। साथ ही जो इनएडिक्वेट स्टोरेज होता है वहाँ, वो भी एक सोर्स हो सकता है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स हो सकते हैं, जैसे प्रोसेस में कोई एरर आ जाना, क्रॉस कंटेमिनेशन हो जाना, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन हो जाना, पैकिंग में कुछ एरर आ जाना। तो ये सारे जो सोर्सेस होते हैं वो सोर्सेस होते हैं इम्प्योरिटीज के फार्मास्यूटिकल्स में। नेक्स्ट इज, राइट लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड अर्सेनिक। यहाँ पर हमें लिमिट टेस्ट लिखनी है क्लोराइड की और अर्सेनिक की। क्लोराइड्स की जो लिमिट टेस्ट होती है वो डिपेंड होती है इंटरैक्शन पे। किसका इंटरैक्शन? क्लोराइड्स का सिल्वर नाइट्रेट के साथ इंटरेक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। और यहाँ पर जो भी रिजल्ट आता है वो स्टैंडर्ड के साथ में कंपेयर किया जाता है। सो ये हो गई लिमिट टेस्ट क्लोराइड की। उसके बाद अर्सेनिक की जो लिमिट टेस्ट होती है उसे गडजिट टेस्ट भी कहा जाता है। वो एक स्पेशल अपैरेटस में परफॉर्म की जाती है और यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो अर्सेनिक गैस लिब्रेट करती है हाइड्रोजन आयन के साथ में और एक येलो स्टेन देती है मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर पे। तो ये उसका रिजल्ट होता है। तो ये लिमिट टेस्ट आपको यहाँ पर विद रिएक्शंस एक्सप्लेन करनी होंगी। नेक्स्ट इज, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ पे कुछ टर्म्स दी गई है जो आपको यहाँ पर डिफाइन करनी होंगी। जैसे फर्स्ट इज एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं या फिर ऐसे एजेंट्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करते हैं। फॉर एग्जांपल, सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट इज
कैथेरेटिक्स, कैथेरेटिक्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने में हेल्प करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेना, इसबगोल, लिक्विड पैराफिन। नेक्स्ट इज एंटासिड्स, एंटासिड्स ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे एजेंट्स होते हैं जो एसिडिटी कम करने में हेल्प करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट इज एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट का एग्जाम्पल है एक्टिवेटेड क्ले, एक्टिवेटेड क्ले जो होते हैं वो एडजॉर्बेंट करके यूज होते हैं जो एक्सेस ऑयल वगैरह एडजॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज टॉपिकल एजेंट्स, टॉपिकल एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो स्किन सरफेस पे यूज़ किए जाते हैं, और इसका बहुत एक बड़ा क्लासिफिकेशन भी है जिसमें प्रोटेक्टिव आते हैं, एडजॉर्बेंट्स आते हैं, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स आते हैं, एस्ट्रिंजेंट्स आते हैं, सल्फर एंड इट्स कंपाउंड्स आते हैं, तो ये सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा विद एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट इज एंटीमाइक्रोबियल एंड एस्ट्रिंजेंट, एंटीमाइक्रोबियल एंड एस्ट्रिंजेंट जो होते हैं, एंटीमाइक्रोबियल्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो माइक्रोब्स को किल करने में हेल्प करते हैं, एग्जाम्पल इज सोडियम हाइपोक्लोराइट आयोडीन प्रिपरेशंस। एस्ट्रिंजेंट्स ऐसे एजेंट होते हैं जो प्रोटीन प्रेसिपिटेशन कॉज करते हैं, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन कॉज करके वो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन का। देन एग्जाम्पल इज एलम एंड जिंक सल्फेट। नेक्स्ट इज रेस्पायरेटरी स्टिमुलेंट, रेस्पायरेटरी स्टिमुलेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो पल्मोनरी वेंटिलेशन को बढ़ाने का काम करते हैं, एग्जाम्पल इज गैशियस अमोनिया, डाइल्यूट अमोनिया सोल्यूशन, अमोनियम कार्बोनेट। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टोरेंट एंड एमेटिक्स, एक्सपेक्टोरेंट्स आर द ड्रग्स विच हेल्प्स टू रिमूव द स्पूटम फ्रॉम द रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट, एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड एंड पोटेशियम आयोडाइड। एमेटिक्स आर दोज ड्रग्स विच इंड्यूस वोमिटिंग एंड विच एक्सपेल्स द कंटेंट्स फ्रॉम द GIT, एग्जाम्पल इज सोडियम क्लोराइड, एंटीमोनी, पोटेशियम टार्टरेट। नेक्स्ट टर्म इज डेंटल प्रोडक्ट्स, डेंटल प्रोडक्ट्स में एंटीकैरीज एजेंट एंड डेंट्रीफाइसेस दिया गया है। एंटीकैरीज एजेंट्स जो होते हैं वो डेंटल कैरीज और टूथ डीके ट्रीट करने में यूज किए जाते हैं, एग्जाम्पल इज सोडियम फ्लोराइड, स्टैनस फ्लोराइड। डेंट्रीफाइसिस जो होते हैं वो टीथ क्लीन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, एग्जाम्पल टूथपेस्ट, टूथ पाउडर्स एट्सेट्रा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट मेथड, प्रिपरेशन, एसे, केमिकल रिएक्शंस एंड यूज ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट्स और कंपाउंड्स। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट दी गई है कुछ ड्रग्स की, जिसके आपको प्रिपरेशन लिखना है, एसे लिखना है, केमिकल रिएक्शन लिखना है और यूज लिखना है। फॉर एग्जाम्पल बोरिक एसिड, बोरिक एसिड जो है उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है नेचुरल सोर्स से अवेलेबल होता है, उसके बाद अगर हम बोरेक्स का डिकम्पोजिशन करते हैं तो हमें बोरिक एसिड मिलता है, साथ ही अगर हम कोलमनाइट जो है उसके थ्रू अगर हम सल्फर पास करें और वाटर में उसको सस्पेंड करें तो हमें बोरिक एसिड्स के क्रिस्टल्स मिलते हैं। सो ये कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशंस हैं बोरिक एसिड की। जो एसे होता है वो एसिड बेस टाइप का टाइट्रेशन हम बोरिक एसिड के लिए करते हैं, क्योंकि बोरिक एसिड वीक एसिड है तो उसको टाइट्रेट किया जाता है स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। और जो केमिकल रिएक्शंस है तो केमिकल रिएक्शंस में अगर हम बोरिक एसिड को हीट करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड के अबव तो वो डिहाइड्रेट होके मेटाबोरिक एसिड बनाता है। अगर हम बोरिक एसिड को मेल्ट करते हैं 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो वो बनाता है टेट्राबोरिक एसिड और पायरोबोरिक एसिड। और अगर हम बोरिक एसिड को 160 डिग्री के अबव हीट करते हैं तो वो फर्दर डिहाइड्रेट होके बोरॉन ट्राईऑक्साइड बनाता है। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शंस है बोरिक एसिड की। साथ ही यूजेस है, यूज बफर सॉल्यूशन के प्रिपरेशन में यूज होता है, उसके बाद टॉपिकल मेडिकेशंस में यूज होता है, ऑइंटमेंट्स में यूज होता है, आई एंड माउथ वॉश के प्रिपरेशन में यूज होता है, एंटी इन्फेक्टिव एक्शन शो करता है। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ बोरिक एसिड। तो लाइकवाइज आपको ये जितने भी ड्रग्स दिए हैं उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन
ऐसे केमिकल रिएक्शंस एंड यूजेस आपको डिटेल में लिखना होगा। और अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस के डिटेल में आंसर चाहिए तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उदित फार्मेसी एप्लीकेशन की, वहाँ पर जाकर आप हमारे कोर्सेज एनरोल कर सकते हैं जो अच्छे डिस्काउंट प्राइसेस में आपको अवेलेबल है। यहाँ पर आपको उदित फार्मेसी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और साथ ही वहाँ पे जो कोर्सेज दिए गए हैं वो आप एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पर एक कोर्स है जहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं, तो अगर आपको आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर उदित फार्मेसी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और हमारे कोर्स को एनरोल कीजिए। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वैसे ही कुछ और ड्रग्स भी दिए गए हैं जिनका आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ऐसे केमिकल रिएक्शंस और यूज लिखना है। सोडियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है, कैलमाइन है, टिटानियम डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, पोटेशियम परमैंगनेट है, आयोडीन और पोविडोन आयोडीन है, सिल्वर नाइट्रेट है, एलम है, जिंक सल्फेट है, सोडियम फ्लोराइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, अमोनियम क्लोराइड है। अगेन सोडियम बाइकार्बोनेट का इंजेक्शन, सोडियम सिट्रेट, फेरस सल्फेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट, बेरियम सल्फेट, इन सब का आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ऐसे केमिकल रिएक्शंस एंड यूज लिखना है। और अगर आपको डिटेल में इन सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर उदित फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे जो कोर्स दिए गए हैं बहुत अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में कोर्सेज दिए गए हैं, आप वो एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।